आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिजनेस जॉब वर्सेस आईटी जॉब्स। अब यहाँ पे बिजनेस जॉब्स क्या हैं, इसके लिए हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जो आईटी का बंदा होता है उसकी जॉब होती है लाइक सर्विस प्रोवाइडर। एंड जो बिजनेस में होते हैं लाइक जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या जो डेस्क पे बंदे रहते हैं या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, तो ये आ जाती हैं एक बिजनेस जॉब के अंदर, एक आईटी जॉब के अंदर। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन सी जॉब बेस्ट होती है, तो ये सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, बिजनेस जॉब, आप अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप मैनेजर बन जाते हो, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो, और इन लोगों की सैलरी अच्छी खासी होती है, मतलब इवन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि अपने में ब्रांड हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, चाहे वो IBM हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, या कोई सी बच्ची कोई भी अपने में ब्रांड हो कंपनी, तो इनका पैकेज ना 1-1 करोड़ तक जाता है, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़, 6-6 करोड़। जो नॉर्मली कंपनी होती हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ भी आपको 3 लाख 4 लाख पर मंथ के हिसाब से मिलता है। जब आप एक वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर पहुँच जाते हो, तो सैलरी इनकी अच्छी खासी होती है। अब दोस्तों, पंगा क्या होता है कि इनके पास सिर्फ 24 घंटे यानी कि 24 घंटे इन लोगों को अगर काम आए, तो इन लोगों को 24 घंटे काम करना पड़ता है। मैं यहाँ पर ब्रांड कंपनी की अगर बात करूँ, वहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो उनको पता ही नहीं चलता कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है, लिटरली ऐसा ही होता है। मैं जहाँ पर वर्किंग हूँ वहाँ पर, तो मैं IT प्रोफाइल में हूँ, तो जैसे कि वो कभी बंदे आते हैं कि सुबह लैपटॉप आके दे गए कि इस लैपटॉप में ये इशू आ रहा है, या मतलब ये मेरा डेटा सिंक नहीं हो पा रहा है क्लाउड से, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो जाती है। सुबह मुझे आके 10 बजे लैपटॉप दिया, एंड इसके बाद वो बोलते हैं मैं 6 बजे आके ले लूँगा। जब मैं उनको बोलता हूँ नहीं सर, 15 मिनट का काम है अभी, या मैं कर दे रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, बोले कि नहीं नहीं मुझे कोचिंग जाना है, मुझे बैंकॉक जाना है, या मैं मॉर्निंग में आके ले लूँगा। ये ऐसे लोग होते हैं। अब क्या किया उन्होंने, वहाँ से फ्लाइट बुक है, इसके बाद में वहाँ पर टिकट भी कोई दूसरा बंदा दे रहा है, सामान भी नीचे पैक्ड है, गाड़ी भी खड़ी है, गए तुरंत कोचिंग, वहाँ पर 1 घंटे मीटिंग करी, फिर इंडिया रिटर्न, एंड फिर आए, फिर लैपटॉप पे काम किया, इसके बाद घर गए। तो ऐसा काम होता है, यानी कि सीधी सी एक बात बता दूं कि अगर जो बिजनेस प्रोफाइल की जॉब्स होती हैं उसमें पैसा तो होता है, बहुत होता है एकदम, लेकिन जो मतलब बोलते हैं ना कि फैमिली के लिए देने के लिए टाइम नहीं बचता है। अब यार किसके लिए जी रहे हैं, फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ तो ख़त्म ही हो जाती है एक अच्छी प्रोफाइल पर जाने के बाद, तो पता चले फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने, यू नो। मैं यहाँ पे बात करूँगा IT डिपार्टमेंट के बारे में कि IT की प्रोफाइल में सैलरी होती है, ऐसा नहीं कि सैलरी नहीं होती। इनके भी पैकेज 15 लाख 20 लाख 25 लाख तक जाते हैं, इवन 30 लाख तक भी इनके जाते हैं, जो क्लाउड के सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, यानी कि जिन्हें अराउंड 15 साल 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है सेम फील्ड में, तो इनका भी अच्छा खासा सैलरी होता। लेकिन मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ एक चीज़ उसमें था बिजनेस में, कि वर्क फ्रॉम होम दोनों में मिल जाता है, आपको IT फील्ड में भी मिल जाता है और आपको एक बिजनेस फील्ड में मिल जाता है। वर्क फ्रॉम इन द सेंस कि आप घर से रह के काम कर सकते हो, लेकिन अभी एक अच्छे डेजिग्नेशन के बाद आप सीनियर मैनेजर बन गए, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, या IT में मैनेजर बन गए या एडमिन बन गए, तो आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है कुछ दिन के लिए अगर आप चाहते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि IT में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी शिफ्ट 11 से 8 है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टोटल 11 से 8 है। अब ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन 11 से 8 आपकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप 8 बजे के बाहर गए, कंपनी में आग जाए, क्या हो जाए, कुछ भी, कोई मतलब नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि जो इन लोगों के काम होते हैं वो एक शिफ्ट वाइज में होते हैं, लाइक कि 11 से 8 4 इंजीनियर्स अलग आएंगे, एंड 8 के बाद 12 या 2 बजे तक इंजीनियर्स अलग आएंगे, तो हर एक की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना अलग अलग काम डिफाइन होता है वहाँ पे। तो लेकिन ऐसा वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो बंदा अकेली उसे मैनेज करना पड़ेगा 24/7। अगर वही बात करूं मैं IT डिपार्टमेंट में, तो 24/7 ज़रूर होता है, लेकिन हर शिफ्ट वाइज बंदा आ रहा है, मेरी शिफ्ट ओवर, अगर घर जा रहा हूं तो फिर मुझे कंपनी से मतलब नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बाकी जो टीम मेट्स हैं अगर वो कॉल करते हैं तो उनको अपडेट दे दो, वो इतना ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं होता, क्योंकि वो शिफ्ट में गए आप भी कॉल कर सकते हो, या मतलब वो अपने एक टीम की बात होती है, लेकिन उनके लिए एक ऊपर से प्रेशर होता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो, अगर आपको बिजनेस में जाना है तो वहाँ भी जा सकते हो, IT में जाना वहाँ भी जा सकते हो।
आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा है वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपका मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट्स या क्वेरी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप कौन स्पोरान चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद जय भारत।